दोस्तों, भोजन यानी कि खाना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हम अपने दिन भर के काम को कर सकते हैं। भोजन आमतौर पर दो प्रकार का होता है, शाकाहारी और मांसाहारी। दुनिया में सभी लोग इन दो तरह के भोजन का प्रयोग करते हैं और उनमें से मांसाहारी लोगों की संख्या ज्यादा है। मांसाहारी भोजन मांस के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो शाकाहारी भोजन फल और पत्तियों के द्वारा। भोजन का यह क्रम कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन इस क्रम में कुछ लोगों ने कीड़ों को भी जोड़ दिया है। इन लोगों को कीड़ों में प्रोटीन और विटामिन दिखाई देता है, जिसके कारण ये लोग इन घिनौने कीड़ों को खाने से परहेज नहीं करते। तो आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं दोस्तों कि दुनिया भर में लोग किन तरह के कीड़ों को खाने के शौकीन हैं। पहला है मोपिन कैटरपिलर्स। पतंगे का ये अविकसित रूप अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों में पाया जाता है। इस इलाके में मोपिन इल्ली का पालन लाखों डॉलर की इंडस्ट्री के तौर पर विकसित हो चुका है। यहाँ महिलाएं और बच्चे इस कीड़े की अविकसित इल्ली को इकट्ठा करने का काम करते हैं। आमतौर पर इल्ली को नमक के पानी में उबाला जाता है और फिर धूप में सुखाया जाता है। ऐसा करने से इन्हें बिना रेफ्रिजरेशन के लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यहाँ की ज्यादातर आबादी इन्हें भोजन के तौर पर इस्तेमाल करती है। एक और जहाँ गाय के 100 ग्राम मांस में 6 मिलीग्राम आयरन होता है, वहीं मोपिन कैटरपिलर के 100 ग्राम में 31 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज और कॉपर का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके बाद है टिड्डा। ये स्फिनेरियम प्रजाति का टिड्डा है। मेक्सिको में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। आमतौर पर इनको भूनकर लहसुन की चटनी, नींबू के रस और नमक के साथ खाया जाता है। गौरतलब है कि टिड्डों में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये भी कहा जाता है कि टिड्डे में 70% से ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। इसके बाद है विचेटी ग्रब। कीड़े की लकड़ी खाने वाली सफेद इल्ली को ऑस्ट्रेलिया में इस नाम से पुकारा जाता है। कच्चा खाने पर इसका स्वाद बादाम की तरह होता है। गर्म कोयले पर हल्का भूनने से इसकी त्वचा कुरकुरी हो जाती है और इसका स्वाद भुने गए चिकन की तरह होता है। ये मिट्टी के अंदर विकसित होता है और पेड़ों की जड़ों को खाकर अपना पोषण करता है। इसके बाद है दीमक यानी कि टर्माइट। क्या आप घर के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाती दीमक से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के लोगों का अनुसरण करिए। आप दीमक को फ्राई करके, सुखा कर और उबाल कर खा सकते हैं। दीमक में 38% प्रोटीन होता है और इसकी वेनेजुएला प्रजाति में प्रोटीन की 64% मात्रा होती है। दीमक में आयरन, कैल्शियम और अमीनो एसिड भी होता है। इसके बाद है अफ्रीकी घुन। करीब 10 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी घुन कई अफ्रीकी जनजातियों का पसंदीदा भोजन है। इन्हें फ्राई करने के अलावा लोग इसे कच्चा भी खाते हैं। जर्नल ऑफ इंसेक्ट साइंस की 2011 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी घुन पोटेशियम, जिंक, आयरन और फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर है। और अंतिम में दोस्तों, गुबरेल का लार्वा यानी कि मील वॉर्म। गुबरेल की इल्ली इकलौता ऐसा कीट है जो पश्चिमी दुनिया में खाया जाता है और नीदरलैंड में इनको इंसानों और जानवरों के खाने के लिए ही विकसित किया जाता है। इनसे कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो घिनौने कीड़े जिनको दुनिया में बहुत सारे लोग खाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।